सिक्स ये बोलता है कि डेरी मैन पेज 6.4 लीट पर लीटर मिल्क एड्स वाटर एंड सेल द मिक्सचर एट 8 पर लीटर देयर बाई मेकिंग 37.5% ऑफ प्रॉफिट, है ना। तो अब इसमें भी वही बात है कि जैसे आपके पास मिल्क है वो आप 6.4 लीटर लेते हो पर लीटर है प्राइस है, और वाटर की प्राइस जीरो है। फाइनल का प्राइस क्या बनती है दैट यू डोंट नो, लेकिन आपको ये पता है कि फाइनल प्राइस में 37.5% ऐड करके बेचा जाए तो वो 8 रुपीज़ पर लीटर पड़ेगा, है ना। तो 37.5 के लिए क्या करते हैं, अगर जैसे मान लो कि हमें 100 की कॉस्ट प्राइस को 137.5 में बेच रहे हो तो ये 8:11 होता है ना। एट तो अगर अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे क्या होगा, बोलो। 8 by 11 into 8 ये आता है ना करने तुम लोग को, बताओ। सर हाँ हाँ सर इट इज वेरी इजी, मतलब 37.5% इज 3 by 8। तो 3 by 8 का मतलब सीपी इतने का प्रॉफिट अगर है तो सीपी और एसपी का जो रेशियो होगा वो 8:11 होगा, है ना। यानी कि अगर हमें 8 रुपए से वापस जाना है तो इट विल बी डिवाइडेड बाय 11 एंड मल्टीप्लाइड बाय 8। तो ये जो एक्स है हमारा ये हमें पता चल गया कि इट इज 64 by 11। तो अब तुम ये डिफरेंस और ये डिफरेंस के रेशियो में अगर तुम बनाओगे तो यू कैन फाइंड मतलब द रेशियो, क्योंकि पूछा है ना इन व्हाट प्रोपोर्शन, यू कैन मिक्स। और इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कल वाले तरीके से, है ना। ये तो हुआ तुम्हारा एलिगेशन का, इसको देखो जरा एक बार करके सब्सट्रैक्ट करके देखो। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 64 by 10 मान लेते हैं इसको, 64 by 10 मान लेते हैं। तो 64 by 10 माइनस 64 by 11 अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 64 by 110 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 64 by 110 का डिफरेंस ये है, और इधर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 64 by 110। तो इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे, इसको इस तरफ लेके जाएंगे, तो 64 by 110 is to 64 by 110। तो इसको अगर 110 से करते हैं तो 10:1, टेन इज टू वन। तो इस रेशियो में हमें मिक्स करना पड़ेगा। ये सबको क्लियर हो गया, अगर आपको एलिगेशन वाले तरीके से करना है तो ठीक है। हम मिल्क की प्राइस ले लिए, हम वाटर की प्राइस ले लिए, हमने फाइनल प्राइस निकाल लिया इस तरीके से, और फिर हमने वो डिफरेंस को लिख कर हमने रेशियो निकाल लिया। ये डिफरेंस इधर देते हैं, ये डिफरेंस इधर देते हैं, बेसिकली ये हमने यहाँ ले लिया, ये हमने यहाँ ले लिया, और इसका 64 by 11 और 64 by 110 का रेशियो जो होगा वो 10:1 होगा। तो मिल्क इज टू वाटर का जो मिलाने का रेशियो है वो मिल्क इज टू वाटर ये है। नाउ लेट्स डू इन अकॉर्डिंग टू द वे जो हम कर रहे थे पहले। एक और तरीके से हम तुम्हें समझाना चाहते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो उसको एक बार ध्यान से सुनो, मतलब ऑल्दो ये एलिगेशन के का चैप्टर है, मतलब एलिगेशन अगर हम कर रहे हैं तो एलिगेशन के तरीके से तुम्हें बता ही दिया, बट दिस कैन बी डन बाय डिफरेंट वो मेथड ऑल्सो, वो सिंपलर होगा थोड़ा इससे अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो। लेट से कि आप अगर 64 की चीज को, मतलब 6.4 की चीज को
6.4 की चीज को 8 में बेच रहे हो, 8 रुपीज पर लीटर में बेच रहे हो, तो यू आर ऑलरेडी गेटिंग 25% ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि अगर आप 1 लीटर मिल्क को, 6.4 में खरीद के 8 में बेच रहे होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब यू यू वुड हैव गेटिंग 25% ऑफ प्रॉफिट हो रहा होता है। लेकिन आपको 25% प्रॉफिट नहीं अर्न करना है, आप कितना अर्न करना चाहते हो, आप करना चाहते हो 37.5। तो अब 100 to 125 तो हो ही जा रहा है, हमने प्राइस बढ़ा ही दिया, बट वी जस्ट डोंट वांट जस्ट 125, हम कितना चाहते हैं, है ना। अगर आप इस पे ध्यान दो तो आप 100 रुपये की प्राइस को 125 तो बना ही दे रहे हो। ठीक है, मतलब 100 रुपीज हैज बीन चेंज टू 125, देख रहे हो ना, ये 4:5 में है, तो 125 बना ही दे रहे हो, बट यू स्टिल वॉन्ट टू सेल इट इन अ वे कि आपको 12.5% का और प्रॉफिट हो, 12.5% का और प्रॉफिट हो, मतलब आप 125 रुपये में ही इतना पैसा, इतना क्वांटिटी देना चाहते हो। तो यहाँ से 125 और इसमें 12.5, इसका रेशियो क्या है, मतलब ये तुम एक्स्ट्रा मिलाना पड़ेगा 125 में, तो ये जो रेशियो है ये 10:1 में आ जाएगा। आई होप कि तुम लोग को समझ में आया हो क्या कहना चाह रहा, सबको समझ में आ रहा है क्या हुआ, यस नहीं आया, झूठ नहीं बोलो। अच्छा सर, आ गया। हाँ, मतलब लास्ट क्लास में मैं बताया था ना कि अगर 20% प्रॉफिट अर्न करना है, 20% प्रॉफिट अर्न करना है, दैट मीन्स यू वांट टू सेल 100 रुपीज पर लीटर का जो है उसको आप 120 में बेचना चाहते हो सेम प्राइस में, तो 120 में वो 1.2, मतलब अगर यहाँ 1 लीटर है तो वो 1.2 लीटर चाहेगा 120 में, है ना, मतलब 0.2 लीटर एक्स्ट्रा चाहेगा, 20% एक्स्ट्रा चाहेगा। तो बेसिकली जब वो तब था जब हम कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहे थे, बट यहाँ पे क्या है कि द कॉस्ट प्राइस हैज ऑल्सो बीन इंक्रीज्ड, हमने 100 का खरीदा था, नाउ आई एम इंक्रीजिंग द प्राइस बाई 125, मतलब 25% से तो हम बढ़ा ही रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6.4 पर लीटर हमने खरीदा है एंड वी आर सेलिंग इट इन 8 पर लीटर, तो अगर हम पानी नहीं भी मिलाते, तो हमको 25% का फायदा होगा, बट द मिल्कमैन इज लिटिल ग्रीडी, वो चाहता है कि हम 8 रुपये पर लीटर में बेचें तो हमें इतने का फायदा हो, 37.5% का, यानी कि इसको 12.5 और चाहिए, है ना। तो इस 12.5 को के लिए तो उसको इतना पानी मिलाना पड़ेगा, तो 125 में यू नीड टू मिक्स 12.5 मोर, है ना, यानी कि 1/10 और तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, तो 10:1 में आपको मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज द वे वी थिंक विदाउट एलिगेशन। ठीक है, और एलिगेशन वाली बात भी समझ गए होगे तुम लोग, मतलब कुछ बोल दिया करो। ठीक है, यस सर, हाँ, एलिगेशन में हमने क्या किया था, मिल्क की प्राइस 6.4 ली, पानी की प्राइस 0 लिया, ठीक है, और फाइनल प्राइस जो है, हमने 8 रुपीज से पीछे आके, है ना, ये हमारा सीपी, ये हमारा कॉस्ट प्राइस, तो सीपी बनना चाहिए ना, मिलाने के बाद सीपी बनना चाहिए, तो फाइनल प्राइस हमने 37.5% के हिसाब से पीछे आया, तो 8/11 × 8 ये हमारा सीपी आया, तो ये हमने 64/11 रख के एलिगेशन लगा दिया। ठीक है, आते हैं 7 पे, द ट्रेडर मिक्सेस 26। अब देखो ये क्वांटिटी मैंने बोला, इस पे शुरू में ध्यान नहीं देते हम, सिर्फ प्राइस पे ध्यान देंगे। पहली क्वान टाइप की राइस जो है वो 20 पर केजी वाली है, और ये 30 वाली जो राइस है वो 36 पर केजी है, सेज द मिक्सचर एज 30 पर केजी हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये भी बात सिंपल है, आपको इसमें क्या करना है, फाइनल प्राइस निकालना है, तो ये तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, यू कैन जस्ट डू इट बाय 26 × 20 + 30 × 36 / 56, है ना, ये हमारा पर केजी का प्राइस निकल जाएगा, तो ये हमारा सीपी हो जाएगा और आपका ये एसपी है ये 30 हो जाएगा।
आप बोलोगे सर आप गैप डिवीजन वाला क्यों नहीं कर रहे, तो गैप डिवीजन वाला इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो रेशियो है 20 रुपीज पर केजी राइस और 30 रुपीज पर केजी राइस, नहीं सॉरी 36, ये 36 है, ओके 36 रुपीज पर केजी राइस जो है इसका गैप है 16 का और रेशियो कितने का है 26:30, 26:30 इसको अगर हम काट देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 13:15। तो अब इस गैप को जो बांटेंगे हम वो कैसे करेंगे, ये इस तरफ जाएगा ये इस तरफ जाएगा, तो 13 को जो बांटना है वो हमें 16 को जो बांटना है वो ऐसे बांटना है 15:13 में बांटना है, तो ये तुम्हारा 15/28 × 16 होगा और इस साइड 13/28 × 16 होगा। तो अगर ये गैप करके भी बांधे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो फाइनल प्राइस निकलेगा हम 20 में ये वाला पार्ट जोड़ देंगे, तो 20+16 × 15 कितना होता है बताना जरा, 240 by 28, ठीक है। तो इसको अगर हम काट दे तो 7 और ये 60 हो गया, 60 by 7, तो 8 4/7, तो ये फाइनल प्राइस हो जाएगा 28 4/7, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये हमारा एसपी है, एसपी जो है वो हमारा 30 है, तो इससे आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो खैर वेस्ट सिंपल था, इसमें कुछ इजी क्वेश्चंस भी हैं सिंस एवरीबॉडी इज डूइंग द सेम, बाकी इसके बाद जो हम करेंगे वो टिपिकल क्वेश्चंस पे करेंगे। अरुण परचेजेस 30 केजी ऑफ वीट एट ₹11.5 पर केजी एंड 20 केजी ऑफ वीट एट ₹ इतना पर केजी, इफ ही मिक्स द टू एंड सोल्ड द मिक्सर approximately what price per kg should he sell the mixture to gain 30%? ये भी सेम इजी क्वेश्चन है तुम्हारा, 11.50 है, 14.25 है, गैप कितने का है आपका, गैप बताना कितने का है, 2.75, ठीक है। ये इसने इस वाले को 30 लिया है, इस वाले को 20 लिया है, तो हमें 2:5 में बांटना है, तो 2/5 2.75 यहाँ चला जाएगा और 3/5 × 2.75 यहाँ चला आएगा, तो ये अगर आप निकाल देते हो तो ये कितना आ जाएगा 0.55, है ना, तो और इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.10 आ जाएगा, तो आपका फाइनल प्राइस जो आ गया 12.60, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। इस पे आप 30% ऐड करके इसी का 30% ऐड करके सेलिंग प्राइस निकाल लो, ठीक है। ये है पदम परचेज्ड 30 केजी ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 17.5 पर केजी, अनदर 30 केजी ऑफ राइस एट द सर्टेन रेट, ठीक है। आप देखो ये ट्रिक से भी कैसे हो सकता है, ये 30 केजी बोल रहा है और इसका 17.5 है, दूसरा फिर से 30 केजी है, तो व्हाट डू यू नो कि जैसे जो फाइनल प्राइस बनेगा ना वो इनके बीच में होगा, है ना, तो ये हमें 30 केजी वी कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट इट बाय नोइंग कि ये मिडिल में आएगा। ही मिक्स द टू एंड सोल्ड द इंटायर एट द रेट ऑफ 18.6 बाय मेकिंग 20% ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है हमारा 18.6 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 18.6/6 × 5, है ना, ये क्योंकि 20% प्रॉफिट का है, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 3.1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 15.5, तो आपका फाइनल बचा 15.5 का जो है ये फाइनल प्राइस बचा, तो ये कितना होगा बताना, एक्स कितना होगा, यहाँ से 2 कम हुआ है तो यहाँ से भी 2 और कम हो जाएगा, तो 13.50,
आया सबको समझ में? अब देखो इसी का एप्लीकेशन जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट में है। सिंपल इंटरेस्ट में भी पहले एक बात समझ लो, एक बात कि अगर मान लो कि 100 रुपीज का प्रिंसिपल है, ठीक है, 100 रुपीज का प्रिंसिपल है एंड आपको 10%, ठीक है, 10% पे आप इसका इंटरेस्ट ले रहे हो और एक दूसरी जगह आप 100 रुपीज का प्रिंसिपल पे 15% का इंटरेस्ट ले रहे हो, तो अगर हम दोनों जगह को कंबाइंड मेजर करें तो फाइनल इंटरेस्ट क्या बन रहा होगा मेरा? तो तुम बोलोगे कि आप 200 पे बेसिकली 10 रुपये और 15 रुपये, 27 रुपीज आपने लिया, तो पर 100 पे कितना लेंगे हम? 13.5 लेंगे, तो ये ठीक बीच में ही आएगा। तो ये एकदम बीच में ही आएगा। ये इस केस में अगर जब प्रिंसिपल इक्वल हो, ध्यान दे, अगर प्रिंसिपल इक्वल नहीं है, मतलब प्रिंसिपल अगर इक्वल नहीं है और परसेंट, मतलब ये इंटरेस्ट सेम है, मतलब यही है, तो फिर आपको अलग अलग परसेंटेज बनेगा। जैसे मान लो अगर हम यहाँ 200 क्वांटिटी रखते और यहाँ 100 क्वांटिटी रखते तो क्या होता? फिर वही वाली बात हो जाएगी, मतलब सॉरी, यहाँ अगर 300 रख लेंगे तो अब वही फिर से वही एलिगेशन वाली बात हो जाएगी कि हमारा जो फाइनल इंटरेस्ट आएगा वो थोड़ा सा इस तरफ ट्विस्टेड आएगा, मतलब इस तरफ ज्यादा मूव कर जाएगा। और वो कैसे मूव करेगा? वो उसी रेशियो में मूव करेगा, ये 2:3 है तो 3 वाला इधर और 2 वाला इधर, और बीच का गैप कितने का है? बीच का गैप आपका 5 का है, तो आपका ये 3 और ये 2, तो ये आपका जो फाइनल इंटरेस्ट हो जाएगा वो 13% का हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रही है बात? हाउ टू मीन्स एलिगेशन, मतलब जहां पे भी एवरेज काइंड ऑफ कुछ भी है ना, कोई भी क्वांटिटी है, जैसे ये एवरेज पॉइंट ऑफ क्वांटिटी क्या है कि 100 रुपये 100 रुपये के दो सेट्स ले तो हर जगह 10-10 रुपये मिल रहे हैं, यहाँ पे 100 रुपये 100 रुपये का 3 सेट्स ले तो हर जगह 15-15 रुपये मिल रहे हैं। तो बेसिकली जब अगर हम फाइनल इंटरेस्ट रेट चाहेंगे, अगर हम इनको मिला के बोले कि मिला के बताओ फाइनल इंटरेस्ट रेट, तो उसी तरीके से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट में भी ये चीज़ एलिगेशन वाली चीज लग जाएगी फॉर कैलकुलेटिंग फाइनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब आपको इस क्वेश्चन में अगर इसको अप्लाई करना है, ठीक है, ऑल्दो मतलब आगे चल के हम इसके और भी तरीके से हम करना चाहेंगे, क्योंकि व्हाट आई वांट इज यू टू ओपन योर माइंड कि आप मेथड पे डिपेंडेंट ना रहो, है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी हो कि आप अपना मेथड भी डेवलप कर सको। ठीक है, तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ें तो ये बोलता है कि ए बोरोड मनी फ्रॉम बी 12% पर एनम फॉर 3 ईयर, देन ही एडेड सम मनी एंड बोरोड सम एंड लेंट इट टू सी फॉर 14% पर एनम एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ए गेन्स 93.90 इन द होल ट्रांजेक्शन, हाउ मच मनी डिड ही एड फ्रॉम हिज साइड? ये तो एलिगेशन का क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये गलत एड कर दिया, और एनीवे कॉल करना, हाँ बता दो ये। हाँ ठीक है, मतलब इसमें बताते हैं कि जैसे अगर हम मान लो कि कोई भी अमाउंट ले रहे हैं, जैसे मान लो हमने 100 का अमाउंट लिया, है ना, तो 100 का अमाउंट जो लिया उसमें 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, और अगर आप इसमें कोई भी अमाउंट मिला रहे हो, जैसे मान लो कि 100+X कर दिया, ठीक है, और इस पे आपको 14% मिल रहा है। ठीक है, और जो गेन है वो आपका 93.90 रुपीज का है। तो बेसिकली अगर हम इसको ऐसे देखें कि ये एक्स भी ना हम 100 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, 100 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो अगर मान लो कि अगर हम ये कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं होगा, ये 14% ऑफ 100+X कितना आता है? जैसे मान लो अगर हम बोले कि 100+X into 14/100 और माइनस अगर हम करें 12,
क्योंकि यहाँ तो आपको 12 भी पे करना पड़ रहा है ना, और ये 3 इयर्स के लिए है, तो अभी हम इसका 1 ईयर के लिए कर देते हैं ना, मतलब जैसे मान लो कि 3 ईयर के लिए 93.90 है, तो 1 ईयर के लिए हो जाएगा 31.3, ठीक है। तो इस क्या कर रहे हो? हाँ ये कौन पूछा मेरे से? मैंने अटेम्प्ट किया था इसलिए मैं पूछ रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या है कि ये परसेंटेज की फिगर्स हैं, ठीक है। हाँ। और ये ओरिजिनल फिगर्स हैं, तो ये इक्वालिटी कभी हम रख नहीं सकते, ये याद रखना। जैसे मान लो कि कभी कंपेयर करना हो ना, तो जैसे मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ कि 2% की वैल्यू 8 रुपीज है, तो आप इसका 100% निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो परसेंटेज में किसी चीज की वैल्यू है ना, जैसे मान लो कि अगर हम सब चीज को परसेंटेज में ले लें, है ना, जैसे मान लो कि अगर हम हर चीज को परसेंटेज में लेना चाहते हैं, कि जैसे जो आप तुमने जो सर एक पहले SI निकाल लो ना, किसका मतलब 3 साल में कितना SI होगा वो निकाल लो, टोटल अमाउंट आ जाएगा, उसके बाद मतलब बताओ ये क्या क्या कह रही हो। मैं बताता हूँ तुम्हें क्या, तुम क्या गलत कर रहे हो, बताओ क्या कह रही हो तुम लोग। मैंने बोला कि इसको 100 मान के, प्रिंसिपल को 100 मान के, प्रिंसिपल को आपने 100 मान लिया। हाँ वो हाँ। पहले स्टेटमेंट के लिए आपने SI निकाल लिया 12% के हिसाब से 3 साल में 36, ये कह रही हो तुम। हाँ हाँ ठीक है, फिर टोटल 136 हुआ। हाँ 136 फिर, हाँ फिर आप सेकेंड के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने फिर से ये माना कि द मनी जिसने जितना उसने ऐड किया वो भी 100 था, तो बेसिकली 200 हो गया। ये कैसे मान सकती हो तुम, जैसे लिखा है ना कि नहीं, उसके बाद कंपेयर किया ना, उसके बाद वो जब प्रॉफिट अलग आया तो 100 के लिए अगर प्रॉफिट 148 आ सकता है, तो 93.9 के लिए कितना आएगा वो निकाला। नहीं मतलब ये क्वेश्चन इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, क्योंकि आप 100 के रिस्पेक्ट में, जैसे मान लो कि अगर मान लो कि ये जो सिचुएशन है ना 93.90 का, ये कभी भी हो सकता है ये इस गेन का, ठीक है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कोई भी पैसा तुम ले रहे हो, है ना, ठीक है, सॉरी कोई भी पैसा, ये एक मिनट मिस कर रहा हूँ मैं, 100 रुपीज लेकर आप 100 रुपीज में कुछ जोड़ रहे हो, ठीक है, ध्यान सुनना, 100 रुपीज लेके आप 100 रुपीज में कुछ जोड़ रहे हो, इसमें आप पे कर रहे हो 12%, आप पे कर रहे हो 3 साल के लिए, ठीक है, बात समझ आ रही है। हाँ। और यहां से आप ले रहे हो 14% 3 साल के लिए, मेरी बात समझ में आ रहा है, मतलब जो अमाउंट आपने लिया है उस अमाउंट में आप कुछ और भी ऐड करो, तो हम यहाँ एक्स नहीं लिख सकते, पहले ये ध्यान रखो, क्योंकि एक्स नहीं लिया, ये परसेंटेज की वैल्यू है, तो एक्स हम इसी के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, तो आप जो इसका जो आपने अमाउंट लिया था, जैसे मान लो हम 100 नहीं रखो तो बेटर है, तो ये कह रहा हूँ कि दो वेरिएबल तब तुमको दिखेगा कि कैसे मैं कह रहा हूँ। अगर आप पी अमाउंट लेते हो, है ना, तो आपका पी का 12% देना है आपको, वापस करना है उसको 3 साल में, ठीक है, और आप इसमें कुछ ऐड कर दे रहे हो पी प्लस एक्स, तो इसका 14% आपको मिल रहा है बेसिकली, ठीक है, तो आपके पास बचेगा कितना, आपके पास बचेगा पी प्लस एक्स का, सॉरी पी प्लस एक्स का नहीं, मतलब पी का 2% बचेगा 3 साल के लिए, है ना, और एक्स का 14% बचेगा 3 साल के लिए, मतलब अगर पर ईयर के हिसाब से देखा जाए तो मुझे इतने का फायदा हो रहा है, ये बात समझ आ रही है। हाँ। तुम लोग सबको ये समझ रहे हो कि नहीं, मतलब कि फिर से मैं बताऊं एक बार शुरू से। सर मेरे को गलती समझ में आ गई, मैंने जो निकाला वो एक कंडीशन था। हाँ तो ये कंडीशन नहीं ले सकती ना, तुम पी अमाउंट ले रहे हो, पी में कुछ ऐड कर रहे हो, तो पी का 12% तुम्हें 1 साल में वापस करना है, बट तुम्हें मिल कितना रहा है इन दोनों का 14%, तो एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है तुम्हें, पी का 2% और एक्स का 14%, ये मिलके तुम्हारा 31.3 बन रहा है ना, क्योंकि पर ईयर के हिसाब से देखा जाए तो ये 1 साल में 31,
तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो वेरिएबल हैं विच कैन नॉट बी सॉल्व थ्रू वन इक्वेशन, ठीक है? पी दिया होता तो आ जाता। हाँ हाँ, अगर पी दिया होता तो आ जाता। ओके, मेरा ये कंडीशन था, ठीक है। चलो ये, हाँ ये क्वेश्चन है जो दिख रहा है एकदम उसके लायक एलिगेशन। ये बोलता है कि पीटर इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 12,000 एट अ रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर अमाउंट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर द सिंपल इंटरेस्ट। द टोटल इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ वन ईयर वॉज टोटल ऑन द टोटल अमाउंट वॉज 14% पर एनम। फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है, अब तुम देखो एक अमाउंट है 12,000 का, इसको आपने 10% पे इन्वेस्ट किया। एक अमाउंट है एक्स का, इसको आपने 20% पे इन्वेस्ट किया। फाइनल आपको क्या मिल रहा है? 14%। तो आपको अभी पता चल गया ना कि ये जो होना चाहिए ये 4 और ये 6 को रिप्रेजेंट वो करना चाहिए, रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो 6:4 में अगर हम बांटेंगे तो अगर ये तुम्हारा 12,000 है तो ये कितना हो जाएगा? 8,000। ठीक है, तो ये ऐसे निकल जाएगा। तो ये बेसिकली तुम्हें ये समझना है कि अगर 10% और 20% का इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो दो इक्वल होगा, अगर दोनों क्वांटिटी इक्वल होगी है ना, 12,000 दोनों तरफ रखोगे तो फाइनल इंटरेस्ट तुम्हारा 15% का बनता है। लेकिन अगर आप 14% फाइनल इंटरेस्ट चाहते हो मतलब ये ज्यादा होना चाहिए इससे, और अगर 15% से ज्यादा होता तो एक्स ज्यादा होता। ये बात समझ आ रही है? अब इसके बाद बोलता है कि मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड अ अमाउंट ऑफ 13,900 इन टू डिफरेंट स्कीम्स। ये देखो ये इसको डिवाइड किया दो डिफरेंट स्कीम में, एक जो है उसको 14% देता है, ए जो है वो 14% देता है एंड बी गिव्स हिम 11%। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न इन टू ईयर इज 3508। तो अगर हम जैसे हम इंटरेस्ट पे लिख रहे हैं ना तो हम एक ही साल का निकाल लेते हैं, तो दो ईयर में इसको, दो ईयर में ही इज अर्निंग 3508, तो वन ईयर में कितना अर्न करेगा? 1754। ठीक है, ये क्लियर है? तो यानी कि फाइनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इसको क्या मिला है, इस पे वो मिला है तुम्हारा 1754 डिवाइडेड बाय 13900 इनटू 100। ठीक है, समझ आ रहा है तुम लोगों? अलजेब्रा से ज्यादा इजी है नहीं, इससे ज्यादा इजी होगा। देखो हम अलजेब्रा भी करके देते हैं। इजी वैल्यूज आते हैं, क्या आता है? वैल्यूज अच्छे आते हैं अलजेब्रा में। नहीं, इसमें भी आएगा, देखो ना तुम अभी ये परसेंटेज तुम निकाल सकते हो ना, ये 100 100 कट गया, इसको डिवाइड करो फटाफट। कटता है किसी चीज से? ये 139 कटता है। Is 139 divisible by anything? बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। ये कैलकुलेशन तो कर सकते हो ना, इधर के बताओ। 12.61। नहीं, पॉइंट में मत करो। जब भी देखो, अगर कभी भी तुम्हारे पास एलिगेशन अगर तुम्हें लगाना हो तो अगर ये इंटीजर में परसेंटेज है तो हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में रखो, वरना तुम्हें रेशियो अच्छा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो रेशियो तुम्हें अच्छा नहीं मिल पाएगा। इसको डिवाइड करके तो बता दो एक बार, कोई मिक्स फ्रैक्शन में तो डिवाइड कर लो। या फिर रुको, मैं तुम लोगों, अगर इसको इसको डिवाइड करने में दिक्कत लग रहा है तो मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। तुम इसका 14% निकाल लो, 13900 का 14%, वो कितना होता है? अब तो कर लोगे ना, 139 × 14 कितना होगा? कैलकुलेटर से करके बताओ। 1946 और 11 11 से मल्टीप्लाई करके बताओ।
1529। तो जो हम परसेंटेज से कर सकते थे वही हम इंटरेस्ट के रुपया से भी कर सकते हैं, सेम रेशियो ले सकते हैं। तो जो फाइनल इंटरेस्ट मिला है वो मुझे मिला है 1754 का, है ना। तो ये गैप हम इसको देंगे और ये गैप इसको देंगे, बताना जरा सही ये गैप कितने का है, सब्सट्रैक्ट करके बताओ जल्दी जल्दी। तो ये कट के कितना हो जाएगा, जरा वट काटो तो ये 75 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो, ये 3 से काटेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली 75 इज टू 64 में बांटना है, इनका टोटल करेंगे तो कितना होगा, 139 होगा ना। तो बेसिकली तुम्हें 75/139 × 13900 इस साइड, विच इज बेसिकली 7500, और 64/139 × मतलब पॉइंट यही हो गया ना कि 7500 हो गया, ये 6400 हो गया। तो ये ज्यादा आसानी है, अलजेब्रा भी सही था। हाँ अलजेब्रा में क्या किया तुमने बताओ, देखो एक मैंने x लिया, दूसरा 13900 माइनस x, उसके बाद x इनटू 14 × 2/100। चलो ठीक है, मतलब वो तो ठीक है, बट यहाँ पे लर्निंग ये है कि जब कभी इस तरह का मौका मिले आपको, तो या तो आप इंटरेस्ट लो तो मिक्स फ्रैक्शन में रखो, ठीक है। जो ये फाइनल इंटरेस्ट आता है इसको मिक्स फ्रैक्शन में रखते तो ये भी हो जाता, और या नहीं तो आप इंटरेस्ट की वैल्यू कैलकुलेट करके अगर रुपया में रखना चाहते हो तो इंटरेस्ट की वैल्यू से ही एलिगेशन निकाल लो, ठीक है। पॉइंट वही है, अगर ए की क्वांटिटी 41% दे रही है, बी की क्वांटिटी 11% दे रही है, तो अगर दोनों ही इक्वल अमाउंट में इन्वेस्ट हुए होते तो 12.5% का फाइनल हमें इंटरेस्ट मिलता है ना। सिंस इट इज नॉट इक्वल अमाउंट में तो हमें ज्यादा या कम का मिला। तो अगर आप इंटरेस्ट रेट के थ्रू एलिगेशन नहीं कर रहे हो, तो इंटरेस्ट रेट के थ्रू अगर एलिगेशन नहीं कर रहे हो तो यू कैन जस्ट डू द एलिगेशन थ्रू इंटरेस्ट, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो। अच्छा ये हमने कल बताया ही था तुम्हें, टू वेसल्स ए एंड बी कंटेन्स स्प्रिट एंड वाटर मिक्स्ड इन द रेशियो 5:2 और 7:6 respectively. Find the ratio of these mixture be mixed to obtain a new mixture in the vessel C containing the spirit and water in the ratio 8:5. तो हमने क्या बोला था कि इधर आप जैसे ये तुम्हारा स्प्रिट वाटर का है, यहाँ स्प्रिट वाटर है, यहाँ स्प्रिट वाटर है, तो बेसिकली यहाँ पे स्प्रिट का कंसेंट्रेशन क्या है 5/7 है, यहाँ स्प्रिट का कंसेंट्रेशन क्या है 7/13 है, यहाँ पे स्प्रिट का कंसेंट्रेशन क्या चाहिए 8/13 चाहिए। तो हम कंसेंट्रेशन के हिसाब से इसका रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो, जैसे मिक्स फ्रैक्शन में आपको या फ्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में, तो हम टोटल सेम कर सकते हैं। तो टोटल सेम करने के लिए ये इनका 7 है और इनका 13 है, तो 91 कर देंगे, तो ये तुम्हारा 65:26 हो जाएगा, ये तुम्हारा 49:42 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 56:35 हो जाएगा। अब हमें पता क्या है कि यहाँ पे स्प्रिट जो है 65 है आउट ऑफ 91, तो स्प्रिट 65 है, यहाँ स्प्रिट 49 है आउट ऑफ 91, तो इसको मिला के हमें बनाना है 56। तो हमें ये गैप इसको और ये गैप इसको देंगे तो रेशियो पता चल जाएगा कि कितनी बार 91 और कितनी बार 91 इसका लेना चाहिए। तो हियर वी गॉट 11 एंड हियर वी गॉट 7, तो 7:11 का रेशियो होगा। ये बात समझ में आ रही है सबको, कल हमने बताया था ना इसको डिटेल में।
कि परसेंटेज से भी हम कर सकते थे, बट परसेंटेज से आपको ज्यादा टिपिकल पड़ जाएगा बिकॉज नॉट एवरी रेशियो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ गुड परसेंटेज. जैसे इसका परसेंटेज जो होता है ये 5/7 × 100 वाला होता, ये जो होता वो 7/13 × 100 वाला होता, तो इससे हमें और टिपिकल होता. तो इसलिए हम 100 का टोटल ना लेके हम 91 का टोटल ले लिए. और कई लोग तो ऐसे भी कर सकते हो कि आप कितना पार्ट है, ये 5/7 पार्ट है, ये 7/13 पार्ट है, मिलाएंगे तो बीच में बनता है एकदम. तो जैसे मान लो कि एक बात बताओ, अगर 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 हम ऐसे पार्ट्स में पूछे होते तो जैसे मैं बोलता है कि 1/2 है एक जगह और 1/4 है ना, जैसे स्प्रिट एंड वाटर है, तो यहाँ स्प्रिट 1/2 है और यहाँ स्प्रिट 1/4 है, इन दोनों का एक एक लीटर मिलाएंगे तो फाइनल कंसेंट्रेशन क्या होगा? बताना जरा. बोलो. अगर आपने एक लीटर ऐसा स्प्रिट लिया है जिसमें स्प्रिट का कंसंट्रेशन जो है हाफ है, ठीक है, बीच की वैल्यू होगी कितना बन रहा है? बीच की वैल्यू होगी. हाँ, तो बीच की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा, अगर एक जगह आपने स्प्रिट लिया है 1 लीटर का तो हाफ कंसंट्रेशन का, दूसरी जगह स्प्रिट लिया है आपने 1 लीटर ही 1/4 कंसंट्रेशन का, तो फाइनल कंसंट्रेशन ठीक बीच में बनेगा. तो बीच की वैल्यू क्या होगी? हाफ प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, विच इज 3/8. यस, 3/8, ठीक है. और इसी को अगर हम परसेंटेज में देखते तो ये हाफ मतलब कितना होता है? 50%. 1/4 कितना होता है? 25%. और इनके ठीक बीच में क्या होगा? 37 1/2%, है ना. तो ये भी तो 37 1/2% तो 3/8 होता है ना, ये तो आपने पढ़ा है ना परसेंटेज में. 37 1/2, तो ये बेसिकली बीच में आएगा. तो अब जिस भी रेशियो में अगर हम आगे पीछे करेंगे, है ना, उसी रेशियो में आपका फाइनल वैल्यू बनेगा. जैसे अगर मान लो अगर हम सेम क्वेश्चन को पूछे होते, मतलब आप इसको बेसिकली, मेरा पॉइंट ये था कि इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी एलिगेशन कर सकते हो, ठीक है. तो अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में अगर एक बार और पूछूं मैं तुमसे कि, एक मिनट, अगर मैं बोलूं कि हमें फाइनल कंसंट्रेशन 9/20 चाहिए होता, ठीक है, तो किस रेशियो में मिलाना होता बताओ? कहाँ से आवाज आ रही है? फाइनल कंसंट्रेशन अगर हमें 9/20 चाहिए होता तो किस रेशियो में हमें मिलाना पड़ता? तो आप बोलते ये वाली गैप इसको और ये वाली गैप इसको, ठीक है. तो ये इसको हम अगर ये करना चाहें तो ये 10/20 लिख देंगे, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो 5/20 लिख देंगे, ठीक है. तो ये गैप जो होगा तुम्हारा वो 1/20 का गैप होगा, और ये वाला गैप जो होगा वो तुम्हारा 4/20 का गैप होगा. तो ये 4/20 ये ले लेगा और 1/20 ये ले लेगा, तो 4:1 में आप मिलाओगे. लेकिन अगर आप इसको फिर से परसेंटेज में अगर किए होते तो इट वुड हैव बीन मच ईजियर. तो वही आपको समझना है, कहीं कहीं पे परसेंटेज आसान होता है और कहीं कहीं पे आपका फ्रैक्शन आसान होता है, या कहीं कहीं पे आप टोटल कुछ अपने हिसाब से ले सकते हो. तो अगर हम इसी इसी अभी प्रॉब्लम को अगर हम परसेंटेज में डील करते तो बहुत ही आसान होता. हाफ मतलब क्या होता है? 50% कंसंट्रेशन. और 1/4 मतलब क्या होता है? 25% कंसंट्रेशन. और 9/20 का मतलब क्या होगा? 45% कंसंट्रेशन. तो अगर आप अब इस बार देखो तो ये 20 का गैप है, ये 5 का गैप है, 5 इधर लेगा और 20 इधर लेगा, तो 20:5 व्हिच इज 4:1. दिख रहा है तुम लोगों को? बोलो यस नो कुछ भी बोलो. दिख रहा, आवाज नहीं आ रही.
बोलो। यस सर, दिख रहा है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोफेसेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्सेस हिज वाटर बाय देयर बाय गेनिंग 25%। तो ये तो वही शुरू वाला ही क्वेश्चन है ना, ये तो ये कैसे रिपीट हो गया है ना। आप 100 की चीज को कितने में बेचना चाहते हो, 125 में बेचना चाहते हो सेम रेट से, तो आपको 25 रुपये का और ऐड करना पड़ेगा। तो ये 4:1 हो गया। ये देखो, ये बोलता है अ मर्चेंट हैज 1000 किलोग्राम ऑफ शुगर पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 8% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 18% प्रॉफिट, ही गेन्स 14% ऑन होल। तो जैसे इसको भूल जाना है, अभी अभी हमें पता है कि कुछ पार्ट जो है वो 8% प्रॉफिट पे बेचे है, कुछ पार्ट जो है वो 18% प्रॉफिट पे बेचा है, ठीक है, और टोटल जो है हमें मिला है कितना, 14% का गेन मिला है। तो बेसिकली इस ये फिर वही वाली बात हो गई कि आपका ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, तो 2:3 में आपको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल। तो 2:3 में तो 1000 kg को 2:3 में बांटेंगे तो कितना होगा बताओ, 400 एंड 600। तो 18% वाले का क्या है, 600 kg। ये पूछा है ना कि द क्वांटिटी ही सोल्ड एट 18% प्रॉफिट इज 6%। अब इसमें एक लास्ट में एक तरीका तुम्हें बताना चाहता हूँ, ठीक है, जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट। उसको हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे आगे। हाँ स्वस्तिका बोलो। तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लॉस को माइनस में रख लेना। जैसे अगर कभी बोले कि ऐसे देख लो ना, एक एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि ये बोलता है कि 5% प्रॉफिट है एक जगह, तो उसको 5% लिखेंगे और 5% लॉस है तो उसको इसमें लिखेंगे, और आपको कंडीशन है नो प्रॉफिट नो लॉस यानी 0% का, तो ये यहाँ का गैप 5, यहाँ का गैप 5, तो 1:1 में लोगे तो 0% होगा। ऑफकोर्स इसको चेक कर लो तुम, अगर 100 rupees को 5% गेन पे बेच रहे हो तो 5 rupees का प्रॉफिट होगा, 100 rupees को 5% गेन मतलब लॉस पे बेचोगे तो 5% का माइनस 5 का लॉस होगा। तो टोटल जो आपको कॉस्ट प्राइस है वो 200 हुआ, और टोटल सेलिंग प्राइस भी यहाँ पे तो 105 हो गया और यहाँ तुम्हारा 95 हो जाएगा, तो फिर से 200 हो गया। तो अगर प्रॉफिट लॉस दोनों रहे तो आप लॉस को नेगेटिव साइन के साथ लेकर सेम क्वेश्चन कर सकते हो। आगे बात समझ में, ठीक है। एक चीज और मैं तुम्हें अभी एक चीज समझाना चाहता हूं कि इसको और हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम ऐसे देखें कि अगर हम सबको ही पूरा पूरा 1000 kg को पूरा पूरा 1000 kg को 8% पे बेच देते तो हमारा टोटल प्रॉफिट 8% का होता, ठीक है। लेकिन इसको जो टोटल प्रॉफिट चाहिए वो 14% का चाहिए। तो आप अगर जैसे मान लो कि इसमें से 1 kg 18% पे बेचोगे, है ना, 1 kg 18% पे बेचोगे तो क्या होगा, मतलब आपको 4% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, क्योंकि टोटल चाहिए आपको 14% का, है ना, तो आपको 4% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 kg और अगर 18% पे बेचोगे तो 4% और आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल जाएगा पर केजी पे। फिर 1 kg और अगर 18% पे बेचोगे तो 4% और मिल जाएगा, तो टोटल एक्स्ट्रा जो 12% है, अब दो अलग से
8% वाले को मेकअप कर सकता है। इस 8% वाले को भी हम 6% दे देंगे तो ये भी 14% हो जाएगा, और इस 8% वाले को भी 6% दे देंगे तो 14% हो जाएगा। तो अगर हम तीन मतलब पांच में से अगर अगर हम 3 kg को 18% कर दें तो वो बाकी के 2 kg का मेकअप कर लेता है 14% के लिए। तो ऐसे भी हम सोच सकते हैं, ठीक है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ऐसे सोचो, आप कैसे भी सोच सकते हो। मतलब बेसिकली अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करना पड़ेगा कि हाउ डज इट शिफ्ट। तो जैसे अगर हम किसी चीज को ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे मान लो कि कल जो हम कर रहे थे कि आप एक बार 8% पे बेच रहे हो और एक बार 18% पे बेच रहे हो 1 kg राइस, मतलब 1 kg को, तो आपको लेकिन फाइनल चाहिए 14%। तो इसको 6% का मेकअप करना होगा, इसको मतलब 18 वाला ही मेकअप करेगा ना इसको। तो 18 वाला ज्यादा कितना परसेंटेज दे रहा है तुम्हें, 4% ज्यादा दे रहा है, तो 4% तो 6% मेकअप होगा नहीं। तो हमें दोनों को कॉमन क्वांटिटी पे लेके जाना है। कॉमन क्वांटिटी पे क्या होके जाएगा, अगर हम दो बार 6% का मिसिंग कर लें तो 12% का मिसिंग हो जाएगा, और फिर 18 वाले को हम 4 बार ले लेंगे। तो बेसिकली आपको टोटल 12% का एडवांटेज यहाँ मिल जाएगा। तो ये 12 और ये 12 एडजस्ट हो जाएगा, तो ये 2:3 में इसलिए भी बटना चाहिए। ठीक है, तुम लोगों को बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है, हाउ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी है ना, वो बीच में कैसे आके मैनेज होता है, उसी को हम एलिगेशन में पढ़ते हैं। तो इस केस में क्या था कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर का वो है सेलिंग है, एक 8% पे एक 18% पे, और फाइनल कितना बनेगा। तो आपको पता है कि फाइनल जो है ना 8% से कम होगा और ना ही 18% से ज़्यादा होगा, और इसके बीच में ही रहेगा। तो अगर आप इक्वल क्वांटिटी 8% पे और इक्वल क्वांटिटी 18% पे बेचोगे तो एकदम बीच में आपको फायदा होगा, विच इज 13% का एडवांटेज मिलेगा। बट इफ यू इंक्रीज मोर ऑफ 18% वाला तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज राइट साइड शिफ्ट करेगा, मतलब 13 से 18 के बीच में, और अगर आप 8% वाला ज्यादा रखते हो तो आपका प्रॉफिट जो है 13 से कम पे शिफ्ट करेगा। तो हम इस क्वेश्चन में ऐसे देखते हैं कि अगर मान लो कि कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बड़ा छोटा भी देख के आंसर कई बार कर सकते हो कि आपका जो आंसर होगा वो आधे से ज्यादा होगा। जैसे मान लो कि अगर हम अगर हम 500 kg 8% पे बेच रहे होते हैं और 500 kg 18% पे बेच रहे होते हैं तो हमें टोटल एडवांटेज जो मतलब टोटल गेन जो होता है वो 13% का होता। तो हम ये तो कह ही सकते हैं ना कि हमने 18% वाले के लिए मतलब टू रीच 14% प्रॉफिट आप 18% वाले को बढ़ाओगे। तो आप हिट एंड ट्रायल से भी चेक कर सकते हो कि अगर हम 500 में 100 बढ़ा दें तो यहाँ पे तो हो जाएगा 400, 8% वाले के लिए हो जाएगा 400 और 18% वाले के लिए हो जाएगा 600। तो 18%, तो अब मैनेज करके चलें, अब हम देखें अगर मैनेज करें तो तुम देखोगे कि एग्जैक्टली तुम्हारा जब हम गैप को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये 3 और ये 2 है ना, तो हमारा बीच का गैप कितने का है, 10 का है, तो ये 6 ये 4, 8 + 6 = 14 होता है, या फिर 18 - 4 = 14 होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बोलो। सबको क्लियर हो गया ना ये, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सिंपल इंटरेस्ट में भी देखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखोगे है ना, और एवरेज में भी देखोगे, एलिगेशन का तो अपना चैप्टर होता ही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बस ये ध्यान में रखना है कि व्हेन टू क्वांटिटीज है ना, दो तरह की चीजों को अगर हम मिक्स कर रहे हैं, दो तरह की चीजों को मिक्स कर रहे हैं और इन पे बेस्ड कोई प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी है, तो जैसे मान लो कि हम कॉस्ट प्राइस बोल रहे हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज की बात है, तो पी परसेंट और क्यू परसेंट, तो हम इसका रेशियो मतलब इसके फाइनल परसेंटेज प्रॉफिट के हिसाब से हम इनका रेशियो बता सकते हैं, ठीक है, या फिर रेशियो के हिसाब से फाइनल परसेंटेज बता सकते हैं।